सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम ब्रेड का चीज़ी कोन बनाएंगे। तो चलिए साथ में अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। सो गाइस, जो मैं चीज़ी कोन बनाऊँगी, पहले मैंने उसकी स्टफिंग तैयार की है। उसके लिए मैंने गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, कॉर्न, पनीर और धनिया पत्ती डाली है। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, नमक स्वाद अनुसार और फिर चिली सॉस, चिली फ्लेक्स और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोज़रेला चीज़ भी मैंने डाला है इसमें। उसके बाद गाइज, हमारी जो स्टफिंग है वो बनके रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने मैदा और पानी लिया है, उसका मैं एक घोल अच्छा तैयार करूँगी। आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, आपको किस कंसिस्टेंसी में अपना घोल तैयार करना है। सो गाइज, आप लोग कंसिस्टेंसी देख सकते हो कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। उसके बाद मैंने ब्रेड लिया है, ब्रेड के साइड वाला मैंने जितने भी ब्रेड लिए थे सबके कट कर दिए हैं। उसके बाद मैंने बेलन की हेल्प से थोड़ा सा बेल लिया है। बेलन से मैंने इस वजह से बेला है जिससे कि जो हमारा कोन रहेगा उसका शेप बहुत अच्छा आएगा, एकदम कोन के शेप में आएगा। उसके बाद जो मैंने मैदे का घोल तैयार किया था उसे मैंने ब्रेड के साइड में लगाया, उसके बाद मैंने उसे कोन का शेप दिया है जिससे कि जो हमारा कोन रहेगा वो चिपका रहेगा, उससे निकलेगा नहीं जो ब्रेड है हमारा। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है। उसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी अब मैं उसके अंदर इसको डालूँगी। सो गाइज, उसके बाद जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी अब मैं स्टफिंग को कोन के अंदर डाल देती हूँ और इसे मैंने चम्मच की हेल्प से इसे थोड़ा सा प्रेस कर दिया जिससे कि जो हमें स्टफिंग रहे हम जब मैदे के घोल के अंदर डालें तो वो बाहर ना आए। सो गाइज, जो मैंने मैदे का पेस्ट तैयार किया था वो आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने पहले अपने कोन को डिप किया है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। ब्रेड क्रम्स से ना ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। इसी तरह मैंने पूरे कोन पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करी है जिससे कि ना ये काफ़ी अच्छा लगता है। और जब हम ब्रेड क्रम्स लगाने के इसे अपने हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा जो ब्रेड क्रम्स है वो अच्छे से चिपक जाए। सो गाइज, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, इसे मैंने एकदम हीट कर लिया था। उसके बाद जो हमने ब्रेड कोन बनाया है अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप लोग देख सकते हो मेरा ऑयल एकदम हीटेड तक। अगर हम ज़्यादा हीट हमारा ऑयल रहेगा तभी जो हमारा क्रम्स रहेगा वो काफ़ी क्रिस्पी होगा, वरना ये तेल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है अगर ज़्यादा हीट ना रहे ऑयल। सो गाइज, यही सेम प्रोसेस करके मैंने अपना दूसरा ब्रेड कोन भी डाल दिया है और इसी तरह मेरे जो ब्रेड कोन है वो सारे बनके रेडी हो गए हैं। सो गाइज, अब मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। ये खाने में काफ़ी टेस्टी था, घर पे तो बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। और आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाला जिससे कि ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था और अंदर की स्टफिंग भी आप लोग देख सकते हो। इसे मैंने रेड चटनी के साथ सर्व किया था। Thanks for watching this video.